नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही सीरियस वीडियो है और इसे बहुत ही केयरफुली देखेगा दोस्तों चीन की तरफ से एक और नया वायरस निकलकर सामने आया है और ये बहुत ही लीथल है और उससे भी खतरनाक बात यह कोरोना की तरह ही ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है और सबसे ही खतरनाक बात इसकी ये है कि इसमें फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है कोरोना में जहाँ पर संक्रमित होने वालों में एक से डेढ़ परसेंट लोग मरते हैं इसमें जो फर्टिलिटी रेट निकल कर सामने आए वो बहुत ही ज़्यादा मैसिव है दस के आसपास ये होता है यानी कि कोरोना वायरस से अगर सौ लोग मतलब कि इस नए वायरस से अगर सौ लोग इन्फेक्टेड हैं तो उसमें से दस लोग की मृत्यु निश्चित है और चीन में ऑलरेडी इससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ये दुनिया भर में फैलकर तबाही मचा सकता है और कैसे इसे रोका जा सकता है और क्या रोक सकता है भारत इस पर डिटेल से बात करेंगे और ये बहुत ही पुराना वायरस है लेकिन अब तक इसकी वैक्सीन नहीं निर्माण हो पाई है सब कुछ डिटेल पर बात करेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं तो दोस्तों चीन से खबर निकलकर सामने आई स्क्रीन पर देखिए ये चीन के जो कम्युनिस्ट पार्टी जिस न्यूज़पेपर को कंट्रोल करते हैं ग्लोबल टाइम्स उसने खुद यानी कि चीन के मुखपत्र ने खुद न्यूज़ छापी है कि चीन में एक नया नोवल जी हाँ उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है नोवल यानी कि नया वायरस निकल कर आया है जिसका नाम है नोवल बुनिया वायरस जी हाँ बुनिया वायरस है और ये बिल्कुल नए तरीके का वायरस है क्योंकि बुनिया फैमिली में इसकी खोज बहुत सालों पहले हो चुकी थी लेकिन अब तक इसका कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो पाया था और बुनिया फैमिली में ये बिल्कुल नए तरीके का वायरस है और यह फैलता है टिक से दरअसल हुआ क्या चीन का एक शहर है नानजिंग। वो एक बहुत ही बड़ा शहर है वहाँ पर एक महिला पाई गई जिसे ये बुनिया वायरस हुआ था और ये बताया जा रहा है कि उसे टिक्स ने काटा था यानी कि आपने देखा होगा कि जो गांव में भैंस होते हैं गाय होते हैं उन्हें होते हैं और इसके अलावा जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें भी ये होते हैं टिक्स होते हैं छोटे चोट छोटे आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं उनकी फोटो कई टाइप के होते हैं छोटे बड़े तो इन टिक्स ने काट लिया और इसके बाद उससे ह्यूमन टू ह्यूमन जिस तरीके से कोरोना एक आदमी से दूसरे इंसान को फैलता है उसी तरीके से ये ट्रांसफर होता गया और अभी चीन ने रिपोर्ट किया करीबन करीबन साठ से लेकर पैंसठ केस और करीबन सात लोगों की मौतें हो चुकी हैं लेकिन हम सब जानते हैं कि जब कोरोना वायरस शुरू में फैला था तब भी चीन से ऐसी ही रिपोर्ट्स निकल कर सामने आई थी कि अभी तो बहुत कम केसेस हैं कोई ज़्यादा केस नहीं है लेकिन हम सब जानते हैं कि उसके बाद जो डिजास्टर हुआ है हम सब लोग अपने अपने घरों में कैद हैं तो अब बात कर लेते हैं कि यह कितना खतरनाक है और किस हद तक ये डैमेज पहुंचा सकता है तो देखिए खतरनाक तो बहुत ज्यादा है कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा है इसकी जो फर्टिलिटी रेट है कहीं ज्यादा है और इसके फैलने की दर भी बहुत ज्यादा बताई जा रही है हालांकि चीन ने इसकी प्रॉपर जो स्टडी अभी तक नहीं की है और ना ही इसके रिसर्च पेपर को दुनिया के सामने रखा है तो यानी कि भारत जैसे देशों को और ज्यादा सावधानी से हो जाने की ज़रूरत है और इसके वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन इसकी बनानी बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये वायरस ऐसा कोरोना वायरस तो अभी पता चला है और इसकी वैक्सीन आप एक महीने बाद या दो महीने बाद आसानी से आ जाएगी लेकिन ये तो बहुत पुराना ज्ञात जो वायरस है जिसकी वैक्सीन आज तक नहीं बन सकी है यानी इसकी वैक्सीन बनाना भी बहुत ही मुश्किल काम है और चीन ने जिस कहा जा रहा है कि चीन से बड़े लेवल पर छुपा रहा है क्योंकि नानजिंग जो शहर है ना चीन का वो बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड शहर है यानी कि बहुत ही थोड़ी जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि साठ केसों इससे ज्यादा बढ़े ही ना हो केस वहाँ पर बहुत ज्यादा है खबर यही है और चीन इसे भी दबाने की कोशिशों में लगा पड़ा है और इसके सिम्टम्स भी कोरोना से कहीं ज़्यादा खतरनाक है एक तो इसमें बहुत ही हाई लेवल का फीवर होता है इसके अलावा इसमें मल्टीपल और जो ऑर्गन है वो फेलियर फेल हो जाते हैं यानी कि बहुत सारे ऑर्गन है शरीर के वो फेल होते चले जाते हैं यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है जबकि कोरोना सिर्फ रेस्परेटरी को यानी कि हमारे जो फेफड़े हैं श्वास नली है, है इन्हें ज़्यादा इफेक्ट करता है लेकिन ये दूसरे अंगों को बहुत ही आसानी से निशाना बना लेता है जिससे कि जो फर्टिलिटी रेट है यानी कि मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है इसमें अब बात कर लेते हैं क्या दुनिया में फैल सकता है देखिए इसी मामले में एक गुड न्यूज़ ये है कि अभी चीन से दुनिया भर का जो एक तरीके से कनेक्शन है वो कटा हुआ है और दुनिया भर का जो इंटरनेशनल ट्रेवल है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है बहुत ही कम लोग एक चीन से बाहर जा रहे हैं साथ ही जो जा भी रहे हैं उनका बहुत ही हाई लेवल पर चेकिंग होती है और एक अच्छी खबर ये भी है कि इन्फेक्टेड होने वाला इंसान कुछ ही देर बाद एक तरीके से कुछ ही समय बाद एक दिन बाद ही दो दिन बाद ही इसमें सिम्टम दिखाने शुरू कर देता है जो चीन ने रिपोर्ट दी है अभी तक उसके हिसाब से और दूसरी बात यह बहुत ही अच्छा हुआ कि ये रिपोर्ट अभी बाहर आ गई क्योंकि अगर कोरोना के बाद ही रिपोर्ट देते कि हमारे यहाँ पर कोरोना फैल गए कि दूसरा वायरस फैल गया है बुनिया वायरस और दुनिया भर में इंटरनेशनल ट्रैवल चालू हो जाता तो यानी कि दोबारा फिर से दुनिया घरों में अपने लॉकडाउन हो जाती और दुनिया इस समय बहुत ही अच्छी बात है कि बाहर निकल रहा है चीन की इस बात को एक्नोलेज करना चाहिए दुनिया भर को कि चीन ने पिछले कई सौ सालों में बहुत ज्यादा वायरस फैलाए हैं दुनिया भर में आप कोई भी वायरस देख लो जैसे कि स्पेनिश फ्लू वो भी पहले चीन से शुरू हुआ था फिर स्पेन में गया और फिर दुनिया भर में फैला बात करें मैं आपको बताऊं कि प्लेग की तो वो चीन से स्टार्ट हुआ चीन के नावों में आता था और वो यूरोप में लैंड हुआ और दुनिया भर में फैल गया यानी कि चीन ने ही दुनिया भर में एक तरीके से इतने वायरस फैलाए हैं तो दुनिया भर को स्टैंड लेना होगा चीन के खिलाफ और एक सख्त कार्रवाई चीन के खिलाफ जरूर करनी होगी चीन को कटघरे में जरूर खड़ा करना होगा और फिलहाल इसके फैलने के चांसेस बहुत कम है जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरनेशनल ट्रेवल बंद है दुनिया भर में जो लोग आ जा रहे हैं उनकी बहुत ही स्ट्रिक्ट तौर पर चेकिंग हो रही है उन्हें आइसोलेशन में रखा जा रहा तो यानी कि दुनिया इस समय चौकन्नी है और इसे दबा जा सकता है जैसे कि हंता वायरस को जी हाँ अब से दो महीने पहले चीन में एक और वायरस फैला था हंता वायरस लेकिन उसे भी दुनिया भर में दबा दिया गया था हाँ चीन में बहुत बुरी तरीके से बुनिया वायरस फैल, फैल सकता है क्योंकि बड़े शहरों में चीन के हैं चीन को इससे बहुत ज्यादा डैमेज की आशंका जताई जा रही है तो इस पर आपका क्या वो पॉइंट है कमेंट करके जो बताएगा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी वो साइड डिफेंस फॉरन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो